तो दोस्तों नमस्कार, एक बार मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जैसे कि शुक्ला सुल्तानपुरिया मेरे चैनल का नाम है और मेरे चैनल पे अपने लोकल से ही जुड़ी हुई बहुत सारी मैंने वीडियो बना डाली हैं और बना रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं कंटेंट पे ही काम कर रहा हूँ। एक्चुअली जिस पर्पस से मैंने ये चैनल खोला है और धीरे धीरे आप सभी का सपोर्ट बन रहा है, हालांकि मैं कॉपीराइट वीडियो करके और भी आगे जा सकता हूँ, लेकिन आज मैं कुछ चीज़ें बताते हुए चलूँगा आपको, और मैं ब्लॉग के माध्यम से कुछ दिखाते हुए चलूँगा कि आखिर चीज़ें क्या हैं। तो जैसे कि भाई साहब, मैं जो वीडियो बनाता हूँ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी अवधि में बनाता हूँ, कभी किसी चीज़ पे बनाता हूँ, कभी एजुकेशन पे बनाता हूँ। तो मैं अभी तक जो काम किया हूँ, 1000 सब्सक्राइबर का मतलब यही होता है कि आदमी की फेस वैल्यू 1000 में ही समझ में आ जाती है कि वो किस चीज़ पे काम करे। जैसे कि मैंने बहुत लोगों से सलाह भी ली, बहुत लोगों से समझा भी। आदमी जो है कि सब में सब कुछ है, अगर आप भी करना चाहोगे तो मेरी तरीके से क्या मुझसे बेहतर कर लोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ये है कि मैं अपने क्षेत्र में प्लेटफॉर्म इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाना चाहता हूँ और एकदम फैक्ट चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। और जैसे कि मैं कभी अवधि में भी यूज़ करता हूँ, हाँ ये है कि अवधि में बोलता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा। लेकिन ये है कि आप सभी का सपोर्ट इस तरीके से बना रहा तो ज़रूर मैं बहुत ही बढ़िया करूँगा। और जैसे कुछ चीज़ें हैं, मैं काम कर देता हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि मैं किस लिए बना रहा हूँ। लेकिन अगर यही चीज़ अगर आप 100 साल बाद या 10 साल बाद, 5 साल बाद, अगर ये 2 साल बाद अगर ये चीज़ें देखोगे तो आपको लगेगा नहीं, मैंने एक तरीके से टाइम को एब्जॉर्ब किया है। जैसे कि अभी मैं खड़ा हूँ, क्या कहते हैं, अपने घर के थोड़ा दूर पर, अभी मात्र 8:30 से 9 के बीच में टाइम हो रहा होगा और यहाँ पर अभी लाइट चली गई है। लाइट जाने का मतलब ये है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में लाइटें अगर चली जाती हैं, लाइट चली जाती है तो बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, और लेकिन अगर गांव में देखा जाए तो अभी जैसे गेहूं की कटान चल रही है और क्या कहते हैं, उसकी वजह से लाइट नहीं आती है, और कभी फॉल्ट हो जाता है तो उसकी वजह से लाइट। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं गाँव में वो बहुत ही नेचुरल हैं, और कहने का मतलब ये है उनके पास भौतिकी जो चीज़ें हैं, जो कृत्रिम के द्वारा बनाई गई हुई चीज़ें हैं, वो अभी उस तरीके से आदमी को इफ़ेक्ट नहीं कर पाई हैं कि नहीं बहुत ज़रूरी है, आदमी जी नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता। तो यहाँ भी अभी ऐसी चीज़ें हैं, कहने का मतलब ये है कि गांव में जो स्ट्रगल है वो चीज़ें अलग हैं, और गांव का स्ट्रगल किस तरीके से होता है ये देखिए। जैसे कि अभी लाइट गई है तो यहाँ से अगर ये मान लो कि मैं मेन एरिया में रहता हूँ तो अगर यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर जाओगे ना तो अकेले जाने में 10 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इस रोड पे अकेले चला जाए। जैसे कि अभी आप निकल जाओ उधर सुरेश नगर वाले चौराहे पे, उधर चंदौर रोड, धनपतगंज इधर हो गया, इस्लामगंज इधर हो गया, तो मतलब सेफ़ एक तरीके से तो है ही, लेकिन यह है कि एक आम आदमी डर जाता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर रात का नज़ारा किस तरीके से है। और मैं सिर्फ आज रात में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे हर एक मोमेंट को दिखाना है, और आप सभी भी देखते रहिए कि गांव में या मैं कहीं भी निकलता हूँ, जैसे कि मैं हर संडे ही वीडियो एक प्रॉपर वे में, क्योंकि अभी तक मैं प्रोफेशनल काम नहीं करता था, हाँ बस जो समझ में आ जाता था वो कर देता था, लेकिन ये है कि जिस तरीके से पब्लिक बढ़ रही है और मुझसे कहती है तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें और भी अच्छे तरीके से बेहतर बने, क्योंकि मेरे साथ जो काम करते हैं बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जो चीज़ें करता हूँ एकदम फैक्ट पे करता हूँ, ये नहीं कि उसको पिक्चर बना दिया, एनिमेशन बस चलाई लाग, बस नीक लगता है, बस टीवी लगा लिया, बस सोवता है, बस शुक्ला सुल्तानपुरिया पूरी पिक्चर दिखा दी है फ्री में, और फिर ओकरे बाद तुहरे सबसे चार्जों न ली हैं जैसे कि पूरी दुनिया करती है। तो बस यह है, धीरे धीरे आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं इसको पार्ट टाइम में ही करूँगा, लेकिन बढ़िया करूँगा। जैसे कि तो आप सभी को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा रात में टहल रहा हूँ और अभी सड़क पे भी चलूँगा, वहाँ का भी दिखाऊँगा, मतलब यहाँ का मेन रोड पे भी चलूँगा, मेन रोड से मेरा ज़्यादा दूर घर नहीं पड़ता है, और
बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है, आज संडे पे, जैसे संडे को आदमी रिलैक्स होता है तो मैं इसी टाइम पे दिखाता हूँ, या संडे नहीं देख पाया, पब्लिक नहीं कर पाया वीडियो, तो मंडे को सुबह तक आ जाता है वीडियो मेरा, ताकि आदमी देखे और चीज़ों को समझे। जैसे कहते हैं ना, चिराग तले अंधेरा, तो अपने क्षेत्र में चिराग तले अंधेरा ही वाला कहानी है। बस ये है, उसको ट्रांसपेरेंसी में दिखाना है मुझे, और बस और कुछ नहीं है। कि ये भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ, क्रांतिकारी हूँ, ऐसा नहीं है। बस ये है कि मैं जो चाहता हूँ वो करता हूँ, आप लोग जो चाहते हो वो सिर्फ देखते हो, करते नहीं हो। दिक्कत इसी बात की है, ठीक है ना? तो जब मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ तो वीडियो को शेयर करते रहिए। तो भाई साहब, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ कि अंधेरे में किस तरीके से यह गांव लगता है, और किस तरीके से चीज़ें डरावनी होती जाती हैं। और जिस जगह पे मैं आया हूँ, तो यहाँ के लोगों के लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, और बाहर के लोगों को, बाहर के लोग अगर ये वीडियो देखते हैं, उनको लगेगा हाय कितनी कितना अंधेरा है भाई साहब, यहाँ कैसे लोग रहते होंगे। तो भैया, यहाँ सब कैसे नहीं रहा थे, आवा 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद यहाँ अंधेरे हो गया। वह ना करा चाहते जो तोरे सबका नीक लागत, हम वह करा चाहिए जो आप सबका नीक ना लागत। देखा भैया, चारों ओर ये अंधेरा हुआ, देखा कुकुर उकुर भूकता है, और यहाँ लाग है ये सब है। यह पार्किंग जाते का लगाई कि पनिया का जोन ले चला जाता है, एक उनका दे दीजिए पी लेंगे, ठीक है ना? हवा इंजन वहाँ चला हुआ कहा हवा भैया। सुना एक चीज़ और, जब हम वीडियो बनावे लगे थे, पूरे गांव में लखाते हैं कि भैया ये काव करत बा, लेकिन हमें मजा आवा था जब क्यों पूछा था। भुसवा कहाँ है? भुसवा ही रहा ना। तो भैया, कुल मिलाया कि आज रास्ता में राती में घूमे आई है, और आप सबका दिखावा चलते ही कि रात का नज़ारा गांव का कैसे होते है। थोड़ा ऑब्जॉर्व करा और ज़्यादा समझा, कम दिखाई ज़्यादा समझा, तो और मज़ा आए, ताकि हम और बहुत बेहतरीन और बढ़िया काम कर सके। गेहूँ खेत में कड़ाई, गेहूँ खेत वो कट गया है, अब जल्दी में सब कुछ हो ही गया, और ये कल्चर आई गया वीडियो में, यो देख लिया कल्चर वो कैसे दिखाओ थे, गेहूँ कट गया, सब कुछ हो ही गया। और ये ज़्यादातर किसान इनसे सब वास्ता रखा थे, और फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसान ही कह दी थे, काहिस की सब कितना ज्ञान दे दिए और कितना कलेक्टर हो जाए, लेकिन जब तक खाई है ना तब तक दिमाग बुद्धि और शरीर कुछ न काम करे। तो बस यही तरीके से बना रहा, और वीडियो को समझा, ताकि शेयर करा, ताकि हम और बढ़िया वीडियो बनाई, बोली भैया सोशल मीडिया खुल के आए, अब 1000 पहुँचा है, 10000 पहुँचावा, तब मज़ा आवे भीड़ी में बोले में। अब बोल दे तो कहा ज्ञान दिए थे फालतू, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ समझा। आज जी, आज थोड़ा आप भी डिस्क्राइब करते हुए चलिए जगह के बारे में, आइए बताते हैं लोकेशन के बारे में। क्या बताएं भैया, लोकेशन बहुत शानदार है। जिस समय जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ के आधा किलोमीटर के प्रांगण में खेत के सिवा और कुछ नहीं है, सिर्फ खेती है, सिर्फ खेती है। यहाँ पर ज़्यादातर फसलें जो बोई जाती हैं भैया, गेहूं की खेती बहुत बढ़िया होती है। अब गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो अब ज़्यादातर खेतों में आपको ये जानवरों के, पशुओं के खाने का चारा, चरी जिसको बोलते हैं, यही हरे चारे के रूप में हरियाली देखने को केवल कद्दू के पेड़, भिंडी के, और क्या कहते हैं, जानवरों का चारा, चरी, भुट्टा इत्यादि फसलें ही आपको मिलेंगी, बाकी पूरा का पूरा क्षेत्र खाली है। तो ये जो हम इस समय अपने प्लाट में हैं, तो ये सारा प्लाट हम ही लोगों का है। गेहूं वहूँ की फसल कट गई है, भूसा भी हम लोगों ने घर रख दिया है, अब काम से हर तरीके से फुर्सत है।
तो आज ही फुर्सत मिली तो शाम को हम लोग आज थोड़ा फ्रेश होने के लिए घर से बाहर 500 मीटर की दूरी पर इस क्षेत्र में आए हैं ताकि थोड़ा दिमाग शांत रहे। आज लाइट भी नहीं है तो लाइट का बहुत ज़्यादा प्रभाव गाँवों में तो होता नहीं है, शहरों में तो लोग परेशान हो जाते हैं लाइट जाती है तो, क्योंकि उनके पास कोई माध्यम नहीं होता है। हमारे यहाँ लाइट जाती है तो इसका कोई असर नहीं पड़ता, हम लोग बाहर निकल जाते हैं, बिंदास मौसम, इस समय टेम्परेचर डाउन भी हो गया रात के वक्त और उसका आनंद उठा रहे हैं। आप लोगों को अब भी आनंद उठाएं, घर के बाहर निकलें और अगर गांव में हैं तो पूरी तरीके से एंजॉय करें। एक खुला वातावरण और मौसम की नमी और गर्मी का ये वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो के बारे में थोड़ा बताइए। वीडियो के बारे में हम आप लोगों को यही दिखाना चाहते हैं भैया कि समय को समझिए और वक्त के तकाजे को देखते हुए हर चीज़ का निर्णय लीजिए। जो चीज़ें भूलते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं उनको भूले ना, छोड़े ना, जो नया दौर आ रहा है उसको अपनाते रहें, लेकिन जो पुराना हमारे पूर्वजों ने छोड़ा है उसको वहीं पे रखें, उसको खोए ना। बस लोग पहले के अंधेरे के बारे में, तो अंधेरा इतना है भैया कि अगर आप अकेले निकल जाएं इस क्षेत्र में तो सूखा कपड़ा पहन के जाएंगे लेकिन आधे रास्ते में गीला हो जाएगा, इसकी गारंटी हमारी है और इसमें दो राय नहीं है। ये हमारे क्षेत्र का प्रभाव है और अंधेरे का भी प्रभाव है। अंधेरा कायम रहे यमरा महाराज किलबिच। चला इनका सबका दिखाई खेतारिया कहते हैं। खेतारिया बहुत शानदार रहा है, गोरू बछरू बचावक था या बाण लगाए ही इराम इराम बाण के काम आए, कटीला तार एक अब बचाई के आया, नहीं कपड़ा उपड़ा यहीं धे ली है महाराज, कहीं जात रहे सार कहीं बैठा। तो ये सरऊ है, कटीला तरवा सरऊ है, जात रहे सार कहीं बैठा, यहीं बैठा ही लही है। बदबू तो बुझा का हुआ है। कैमरा के बारे में बताओ यार। तो कैमरा नहीं चल रहा है क्योंकि ये अंधेरे की वजह से नहीं चल रहा है, अंधेरा कायम है और क्वालिटी थोड़ा कमज़ोर है हमारे कैमरे की। DSLR नहीं है, मोबाइल का कैमरा है भैया, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, कहने के लिए 50 है, बाकी 3-4 मेगापिक्सल का होगा, चाइनीज माल तो है ये है। किसी तरीके से काम चलाया जा रहा है, आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो बढ़िया सोनी का झक्कास कैमरा लेके आएंगे, चाहे दिन हो चाहे रात, चंद्रमा तक की फ़ोटो उसमें कैद कर लेंगे, तब आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा, लेकिन अभी इतने में काम चलाइए। और यह भैया बांस का जीवन में बहुत प्रयोग है, मरे जिए बांस बहुत काम आवत है, चाहे जहाँ मर्जी का है, अगर के अनुमादी करे तो बांस आए और अगर एकदम से चला जाए तब वो बांस। तो बांस के जीवन में बहुत प्रयोग है। आवा भाई, अब गांव की तरफ चल रहे हैं, गांव में पहुंच गए हैं। ये प्रथम घर है, अंतिम घर है गांव का और प्रथम घर हमारा है, सड़क से 50 मीटर की दूरी पे हमारा क्षेत्र उपस्थित है। अब देखिए लाइट भी आ गई, बहुत देर से लाइट को लेकर परेशान है। लक्ष्मण रेखा खींची है और देखा यार सब सामान फाटा धरा है और बाकी सब ठीक है। दर्शकों को बस यही कहना है कि अपना क्या कहते हैं बहुमूल्य समय और बहुमूल्य अंगूठे का प्रयोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में लगाएं ताकि अगली बार हम कुछ खतरनाक चीज़ लेके आएं। धन्यवाद।